नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूकेजी के चैनल में। और इस बार की जो अपडेट है वो है आपकी यूकेपीएससी की ओर से। यूकेपीएससी ने क्या किया है कि उन्होंने एक रिलीज नोटिफिकेशन दिया है उनकी वेबसाइट पे। अब वो एग्ज़ाम कराने वाला है आने वाले 11 नवंबर 2017 को। और एग्ज़ाम है आपका एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी यानी कि अपर निजी सचिव का। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम फिल करा था सेप्टेम्बर मंथ में, तो उनका एग्ज़ाम है अब नवंबर की 11 तारीख को, दिन है शनिवार को, और मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर आपका 12 बजे तक के लिए ये एग्ज़ाम है। तो उसका जो अपडेट है आप किस तरीके से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, सीधा आप जाएंगे UKPSC, आप टाइप करेंगे सीधा गूगल पे, उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे ये वाली जो जो वेबसाइट सबसे ऊपर आ रही है आपकी UKPSC.gov.in पर। उसके बाद जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक रिसेंट अपडेट्स करके एक नीचे ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपको सबसे ऊपर दिखाई देगा प्रवेश पत्र डाउनलोड करें, ये आपका सचिव वाले के लिए और ये निजी सचिव के लिए। इसको क्लिक करने के बाद इसके यहाँ पे दिखाई देगा प्रवेश पत्र हेतु, यहाँ पे क्लिक करें। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये आपको बोलेगा कि ये जो वेबसाइट है आपका वेबसाइट पेज पे जा रही है। सिंपल आपके यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आएंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड और एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, और नीचे आएगा फिर सर्च योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड में क्लिक करना है और क्लिक हियर टू डाउनलोड पे दोबारा से क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डालना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके मैसेज किया गया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर भूल चुके हैं तो आपको वापस जाना है उसी जगह पे, और उसके नीचे ऑप्शन आएगा सर्च योर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो इस पर सपोज़ कीजिए अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आप इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सारी फिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे गो पे डालेंगे तो जो एक एक 1990 वाले जितने भी डेट ऑफ बर्थ हैं उन सब का जो है यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी सिंपल से। तो आप अपना नाम यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आप अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी डाल के भी सीधा आप जा सकते हैं। सपोज़ करिए आप इनमें से पहली वाली आईडी ले लीजिए, ये सिर्फ मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, किसी से मेरा पर्सनल मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। और उसके बाद आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और दोबारा से आप जाएंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड सेक्शन में और क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, और यहाँ पे आप उस फॉर्म उसकी जो है आप रजिस्ट्रेशन आईडी आप यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे सिंपल से, और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपने फिल करी थी वो आप डाल देंगे। उसके बाद आपको सबमिट करना है और उसके बाद आपका डाउनलोड का जो है आपका एडमिट कार्ड का पेज वो आपका ओपन हो जाएगा। और इस जो पोस्ट के लिए जो एडवर्टीजमेंट था इसके लिए जो डिस्क्रिप्शन है मैंने एक लिंक डाला है, वो आप उस पोस्ट को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, आपने किस चीज़ के लिए फिल किया था क्योंकि कई बार याद होता नहीं है, और क्या क्या रिक्वायर्ड है वो भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो लिंक है उस PDF फाइल में आपको मिल जाएगी। और फिलहाल के लिए यही एक अपडेट थी मेरी ओर से, बनी रही मेरे चैनल के साथ और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आप चाहते हैं नई नई अपडेट पाना और नई जनरल नॉलेज की टॉपिक्स, तो वो भी मैं इस पर जल्दी ही कवर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।